Hello, good morning students. Welcome to my channel. Today in this class we are going to read poem Caged Bird of your English fairy book. Caged bird means pinjre mein band pakshi. What images comes to your mind when you read the title of the poem discuss in class? जब इस कविता के शीर्षक को पढ़ते हैं तो आपके दिमाग में कौन सी तस्वीर उभर कर आती है ये आपको क्लास में डिस्कस करना है. Now reading. Maya Angelou's poem Caged Bird was first published in her book Shaker. Why don't you sing? Maya Angelou की ये poem Caged Bird सबसे पहले publish हुई थी उनकी किताब Why don't you sing में. The poem illustrates the differences between African Americans and the whites during the civil rights era. ये कविता अंतर बताती है African Americans और whites के बीच में जो उस समय उनके अधिकारों में अंतर था. अफ्रीकन अमेरिकन्स की तुलना यहाँ पर केज्ड बर्ड से की गई है और अमेरिकन्स जो वाइट्स हैं वो यहाँ पर आज़ाद पक्षी की तरह हैं जिनके सारे अधिकार उनके पास हैं और जो केज्ड बर्ड है अफ्रीकन अमेरिकन से उनके अधिकार बिल्कुल सीमित हैं. वो स्लेव्स की तरह हैं, गुलाम की तरह हैं. Now let's start the poem. A free bird leaps on the back of the wind. एक जो आजाद पक्षी है वो फुदकता है हवा के झोंकों के साथ. एंड फ्लोट्स डाउन स्ट्रीम टिल द करंट एंड्स. और वो जब चाहे नीचे आ सकता है, जब चाहे वो नीचे आकर उड़ सकता है हवा के झोंकों के साथ. एंड डिप्स हिज विंग इन द ऑरेंज सन रेज. और सूर्य की नारंगी किरणों में अपने पंखों को डुबा सकता है, यानी जितनी भी अपॉर्चुनिटीज आसपास हैं आज़ाद पक्षी उन सब का फ़ायदा उठा सकता है, उसकी जो मर्जी हो वो कर सकता है. एंड डेयर्स टू क्लेम द स्काई. और उसमें सारे आसमान पर अपना हक जताने की हिम्मत है. बट अ बर्ड दैट स्टॉक्स डाउन हिज नैरो केज. लेकिन वो पक्षी जो अपने छोटे से पिंजरे में कैद है, यहाँ पर बात हो रही है अफ्रीकन अमेरिकन्स की जिनके पास उनके कोई राइट्स नहीं है, तो उनकी तुलना केज्ड बर्ड से की गई है. तो वो पक्षी जो अपने छोटे से पिंजरे में कैद है वो वहीं पर पिंजरे में ही अपने पंखों को फड़फड़ाता है. डाउन हिज नैरो केज कैन सेल्डम सी थ्रू हिज बार्स ऑफ रेज. और वो उस पिंजड़े में बहुत क्रोधित है और अपने क्रोध के सलाखों के बाहर वो मुश्किल से ही देख पाता है. यहाँ पर पिंजरे की जो सलाखें हैं उसकी तुलना की गई है उसके क्रोध से. तो अपने क्रोध से वो बाहर मुश्किल से ही देख पाता है, या फिर उस पिंजरे ने उस पक्षी के देखने की जो सीमाएं हैं उसे बहुत सीमित कर दिया है, वो दूर तक नहीं देख पाता. His wings are clipped and his feet are tied. उसके जो पंख हैं वो कतर दिए गए हैं, काट दिए गए हैं. And his feet are tied. और उसके पंजे बंधे हुए हैं, उन्हें बांध दिया गया है. So he opens his throat to sing. तो अब वो क्या करता है, अपने गले को खोलता है जोर से गाना गाने के लिए. द केज्ड बर्ड सिंग्स विद अ फियरफुल ट्रिल. जो पिंजरे में बंद पक्षी है वो गाता है अपनी भयभीत कंपित ध्वनि से, यानी कंपकपाने वाली आवाज से वो गाता है क्योंकि वो पिंजरे में कैद है, उसके कोई अधिकार नहीं है. ऑफ थिंग्स अननोन. चीजें उसके लिए अनजान है, वो बाहर की चीजों से अज्ञात है. बट लॉन्ग्ड फॉर स्टिल. लेकिन फिर भी उन्हें पाना चाहता है. यहाँ पर वो किस चीज़ से अनजान है, वो आज़ादी से अनजान है कि आज़ादी क्या होती है, लेकिन फिर भी वो आज़ादी को पाना चाहता है. एंड हिज ट्यून इज हर्ड ऑन द डिस्टेंट हिल. वो जो गाता है उसकी आवाज़ दूर पहाड़ी तक सुनी जा सकती है. For the caged bird sings of freedom. क्योंकि जो पिंजरे में बंद पक्षी है वो आजादी के लिए गाता है, इसलिए उसकी ध्वनि दूर दूर तक सुनी जा सकती है, वो इतनी जोर से गाता है. The free bird thinks of another breeze. और जो आजाद पक्षी है, इस पैराग्राफ में फिर से उसकी बात की गई है, वो हमेशा नई हवा को एंजॉय करने की कोशिश करता है, यानी एक अपॉर्चुनिटी को एंजॉय करने के बाद वो हमेशा दूसरे की ओर बढ़ जाता है.
एंड द ट्रेड विंड्स सॉफ्ट थ्रू द साइन ट्रीज, और हल्के हवा के झोंके जो सरसराते हुए पेड़ों के पास निकलते हैं वो उन सब हवा के झोंकों का मजा लेता है। एंड द फैट वॉर्म्स वेटिंग ऑन अ डॉन ब्राइट लॉन, और घास के मैदानों में फैट वॉर्म्स वो जो मोटे कीड़े हैं वो उसका इंतजार कर रहे हैं। यहाँ पर फैट वॉर्म्स मोटे कीड़ों की तुलना की गई है उन अपॉर्चुनिटीज से जो कि वाइट्स के लिए हमेशा ओपन रहती हैं, यानी जो आज़ाद पक्षी है जो गोरे अमेरिकन हैं वो उन अपॉर्चुनिटीज का उन्हीं मौकों का फायदा उठाने के लिए आज़ाद हैं। एंड ही names the sky his own, और वो सारे आसमान को अपने नाम कर लेते हैं। But a caged bird stands on the grave of dreams, लेकिन जो एक कैद पक्षी है वो कहाँ खड़ा है, वो सपनों की कब्र में खड़ा है, grave of dreams में खड़ा है। His shadow shouts on a nightmare scream, उसकी अपनी छाया रात में आए हुए किसी बुरे सपने की तरह चीखती है, यानी वो बहुत दुखी है। His wings are clipped and his feet are tied, उसके पंख कतर दिए गए हैं, कतरे हुए हैं और उसके पंजे बंधे हुए हैं। So he opens his throat to sing, तो वो अपने कंठ को अपने गले को खोलता है गाने के लिए, यानी वो आजादी के लिए अपनी आवाज को चीख चीख कर निकालता है। द केज्ड बर्ड सिंग्स विद अ फियरफुल ट्रिल, यहाँ पर सेम स्टैंजा रिपीट किया गया है, जो केज्ड बर्ड है वो अपनी डरी हुई कपकपाती आवाज में गाता है। ऑफ थिंग्स अननोन, उन चीजों के बारे में जिससे वो अनजान है, आजादी से वो अनजान है तो उसी के लिए वो चीख चीख कर गुहार लगाता है। बट लॉन्ग्ड फॉर स्टिल, लेकिन अभी भी आजादी को पाने की उसकी इच्छा है। एंड हिज ट्यून इज हर्ड ऑन द डिस्टेंट हिल, और उसकी जो चीखने की आवाज है आजादी के लिए, जो तड़पने की आवाज है, वो दूर पहाड़ी तक सुनी जा सकती है। फॉर द केज्ड बर्ड सिंग्स ऑफ फ्रीडम, क्योंकि जो कैद पक्षी है वो आजादी के लिए गीत गाता है, आजादी के लिए फड़फड़ाता है। सो वंडरफुल पोयम रिटन बाय माया एंजेलो। स्टूडेंट्स, आई होप you have understood the poem. If you like the video, then press on like button, share your views in the comment section, and don't forget to subscribe my channel. See you soon in another video. Till then, bye bye, have a good day.